भारत विकास परिषद नगर शाखा अंबाला से राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता का आयोजन 23 अगस्त 2018 को पीकेआर कॉलेज में किया गया। देशभक्ति के गीतों की यह प्रतियोगिता वर्ष 1966 में आयोजित की गई थी। देशभक्ति से परिपूर्ण इस प्रतियोगिता में ही वास्तव में छात्रों को मध्य भारत विकास परिषद की लोकप्रियता दिलाई और पहचान बनाई। इसमें प्रतिवर्ष भारत के सभी प्रांतों से लगभग 5000 से अधिक विद्यालयों के छात्र भाग लेते हैं। पिछले वर्षों में भारत के अनेक राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री ज्ञानी जैल सिंह, श्री नीलम संजीवा रेड्डी व श्री रामनाथ कोविंद ने अध्यक्षता कर इन कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाई है। वर्ष 2015 से पूर्व संस्कृत गीतों की प्रतियोगिता अलग से आयोजित होती थी। अब इस प्रतियोगिता के अंतर्गत हिंदी व संस्कृत दोनों में देशभक्ति के गीतों का गायन सम्मिलित है। आज इस आयोजन में शहर के सरकारी एवं प्राइवेट 16 स्कूलों ने भाग लिया, जिसमें से 16 स्कूलों ने हिंदी एवं 14 स्कूलों ने संस्कृत गीतों का गायन किया। शाखा सचिव अरविंद कौशिक ने बताया है कि हिंदी गायन में जो स्कूल शीर्ष पर रहे हैं, प्रथम स्थान पर है पीकेआर जैन गर्ल्स स्कूल, द्वितीय पर एमएम इंटरनेशनल स्कूल, तृतीय पर पीकेआर जैन वाटिका स्कूल। संस्कृत गायन में जो स्कूल शीर्ष पर रहे हैं वह है प्रथम पर पीकेआर जैन वाटिका स्कूल, द्वितीय मुरलीधर डीएवी स्कूल, तृतीय ओपीएस विद्या मंदिर। हिंदी और संस्कृत दोनों को मिलाकर जो टीम प्रथम पर रही है वह टीम आगे प्रांत स्तरीय राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता में भाग लेगी। प्रथम स्थान पर है पीकेआर जैन गर्ल्स स्कूल। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में श्री विधि चंद अग्रवाल जी रिटायर्ड प्रिंसिपल रहे और जज के रूप में श्री ज्ञान चौरसिया एवं श्रीमती नीरजा अंबाला कैंट से आमंत्रित थी। परिषद परिवार की तरफ से सहयोग देने के लिए अध्यक्ष नरेश मित्तल, कमल गोयल, पीके अग्रवाल, इंद्रपाल जैन, आर एन मित्तल, वीरेंद्र वालिया, रेणु वालिया, रीना कौशिक, डॉक्टर अंजलि मदन अग्रवाल, साक्षी अग्रवाल, बीके ओब्रॉय, तिलक अरोड़ा, सुलक्षणा अग्रवाल, हरीश भाटिया, मोहिनी भाटिया उपस्थित रहे। सचिव अरविंद कौशिक ने नगर शाखा एवं दयानंद शाखा की ओर से इस कार्यक्रम एक सफल आयोजन बताया।